लोगों ने जमीन सरेंडर की है उन्हें हम भू माफिया नहीं कहेंगे। वहीं रंगून गार्डन के प्लॉट असली मालिक को देने की कार्रवाई जारी है। कार्यालय में बोले अपर कलेक्टर अभय बेडेकर, शासन प्रशासन की भू माफियों पर कार्रवाई शुरू होते ही कई लोग कब्जे के प्लॉट अब सरेंडर कर रहे हैं। वहीं अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने मीडिया के सामने मंगलवार शाम को कहा कि जो लोग प्लॉट सरेंडर कर रहे हैं उन्हें हम भू माफिया नहीं कहेंगे, वे अपनी गलती मान रहे हैं, हालांकि नियम के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रंगून गार्डन की जमीन मुक्त कराने के बाद अब उनके असली प्लॉट मालिकों को जमीन देने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर श्री बेडेकर ने कहा कि कलेक्टर मनीष सिंह व उच्च अधिकारियों के निर्देशन में भू माफियों पर कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद भू माफियों पर इंदौर शहर में सख्त कार्रवाई की जा रही है, जहां बीते दिनों अपर कलेक्टर अभय बेडेकर के निर्देशन में रंगून गार्डन को तोड़कर करीब 50 प्लॉट खाली करवाए गए। उन्हें भू माफिया हम नहीं कहेंगे जिन्होंने अपनी जमीन सरेंडर करने के लिए कहा है। उन लोग कई लोग ऐसे हैं जो कि अनोइंगली नहीं किया है, उन्होंने अनोइंगली उनसे हो गई ये गलती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीब 12-15 लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनें सरेंडर करने के लिए कहा है, उनकी भी सूची बन रही है और उन्हें ये वैधानिक जो कार्रवाई उसमें होनी आगे कोर्ट के द्वारा और रजिस्ट्री को नल एंड वॉइड कराया जाना है, वो अपनी सलाह वो वकीलों से ले रहे हैं, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। हम तो उनको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप लोग कानून का साथ दीजिए, जो गलत काम हुए हैं या गलत ज़मीनें आ गई हैं उन्हें वो खुद होके वापस कर दें और अपने वकीलों से सलाह ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि जो वास्तविक हितग्राही हैं उन्हें उनकी ज़मीन पर कब्जा मिले। सर, तत्कालीन समय में जो